ये मेरा लिखा हुआ अभिलेख है, उचित समय पर इसका उपयोग होगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। साल के कठिन सफर के बाद बोधिधर्मन चीन देश के नानयिंग गांव पहुंचे। इस गांव के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार यहां बहुत बड़ा संकट आने वाला है। बोधिधर्मन के यहां पहुंचने पर गांव वालों ने उन्हें ही वो संकट समझ लिया। से जाने पर गांव वालों को लगा कि संकट चला गया, लेकिन संकट तो अभी आने वाला था। एक जानलेवा महामारी के रूप में जिसने किसी को नहीं बख्शना था। Thank you.
चीन के कई राज्यों से आए हुए चिकित्सकों को बोधिधर्मन ने औषधि की विशेषता सिखाई। बीमारी से बचने के बाद उस गांव में एक और संकट आ गया। वो मनुष्य के रूप में हैवान था। वाले समझते थे कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा पद्धति में ही माहिर हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात बहुत जल्द पता चलने वाली थी कि ये आत्मरक्षा विद्या और सम्मोहन कला के भी बहुत बड़े उस्ताद हैं। Thank you.
चीन के लोगों ने आज तक ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध कला नहीं देखी थी और उन्होंने भी ये कला सीखने की मांग की। दामो, चीन जाओ हमें वुशु, हमें ये शी याओ शुए। जीशे, जीशे। यहाँ के लोग बोधिधर्मन को प्यार से धामु बुलाते थे। वो उस गांव में रहकर अपनी कला सिखाने लगे। कई वर्षों बाद जब उन्होंने अपने वतन वापस जाने की इच्छा जताई, तब ज्योतिषियों ने उनके जाने के बाद फिर से संकट आने की भविष्यवाणी की। अगर इस संकट से बचना है तो बोधिधर्मन को यहीं रोकना होगा, किसी भी हाल में, जिंदा या मुर्दा। गांव वालों ने उन्हें रोकने के लिए उनके खाने में जहर मिला दिया, लेकिन बोधिधर्मन ये बात भली भांति जानते थे। गांव वालों ने मांग की कि बोधिधर्मन के शरीर को उनके गांव में दफनाया जाए तो उनका देश बीमारियों और तमाम संकटों से मुक्त हो जाएगा। उनकी इस मांग को बोधिधर्मन ने स्वीकार कर लिया। चाइना में बहुत सी जगहों पर बोधिधर्मन के बनाए हुए मंदिरों में उनकी पूजा की जाती है। चाइना, जापान, थाईलैंड और कई देशों में मंदिर बनाकर एक भारतीय को पूजा जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें जानते हैं? मैंने तो नहीं सुना। बोधिधर्मन, ये नाम भी नहीं सुना। कभी सुना नहीं। सॉरी, नहीं जानती हूँ। नो आइडिया। ओह दामू, ये आई नो हिम, कुंग फू मास्टर, राइट? आई लव हिम। यस, आई नो बोधिधर्मन, ही सन ऑफ किंग इन साउथ इंडिया। नहीं पता। Very good, kung fu guy. I know Damu Master. He come from India. बोधिधर्मन, ये नाम मैं पहली बार सुन रही हूँ। Sorry, मुझे नहीं मालूम। हमारे देश से गई हुई और भूली हुई इस कला को कोई हमारे ही विरुद्ध इस्तेमाल करेगा तो जिसके बारे में बताया था, ये शाओलिन टेंपल का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है।
मिस्टर डोंगली, ये हमारे देश के चीफ साइंटिस्ट हैं। करीब 36 साइंटिस्ट ने 8 साल की मेहनत के बाद एक असाइनमेंट क्रिएट की है जिसका नाम है ऑपरेशन रेड। ये ऑपरेशन रेड इंडिया के खिलाफ है। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो 3 सालों में हम जो भी कहेंगे वही बन जाएगा लॉ इंडिया में। इंटरेस्टिंग। लेकिन एक लड़की की रिसर्च हम सबके लिए खतरा बन चुकी है। अगर उसकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो हमारा ऑपरेशन रेड किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए तुम इंडिया जाओगे, वहां उस लड़की को मारोगे और वापस आओगे। यह है तुम्हारी असाइनमेंट। सर, सिर्फ एक आदमी को भेजना ठीक नहीं है, पूरी टीम भेजेंगे। अगर ये पकड़ा गया तो हमारे देश में प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। वहां वो गार्ड दिखाई दे रहा है। जनरल, क्या वो एक काबिल सोल्जर है? जी। क्या वो अपने देश के लिए जान दे सकता है? बिल्कुल। पर अब वो मेरे लिए जान देगा। क्या आप ठीक है सर? तो क्या तुम देश के लिए जान देना चाहते हो या मेरे लिए? मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, ऑपरेशन रेड है क्या? डोंगली, तुम ही इसे शुरू करने वाले हो। जब तुम इंडिया पहुंच जाओगे अपने आप समझ जाओगे। तो मुझे इंडिया कब जाना है? आज ही। ग्रेट बॉम्बे सर्कस, आपकी मुंबई की जनता के लिए एक खुशखबरी। आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, ग्रेट बॉम्बे सर्कस आपकी मुंबई के समुद्र के किनारे रोजाना 2 शो और शनिवार और रविवार 4 शो। बहुत ही मजेदार होने वाला है, पूरा पैसा वसूल। तो आप लोग जरूर देखने आइए, ग्रेट बॉम्बे सर्कस। ये क्या साला, मैं गला फाड़ फाड़ के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा है। भाई, अभी तो अरविंद ही पब्लिक को सर्कस में खींचेगा, वो भी अपने स्टाइल में। हे, चलना टिंगू, बाहर एक राउंड मार कर आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम है। ठीक है, अगर सेठ ने पूछा तो संभाल लेना, आने में लेट होगा, समझा? ठीक है। ठीक लग रहा हूँ, एकदम झकास। चल चल, निकल निकल निकल, करूँ सेठ देख लेगा। मान लीजिए ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मेरे पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कह दिया नहीं होगा। प्लीज सर, प्लीज सर, आप हमारी मदद कीजिए। एक बार कह दिया आपको समझ नहीं आता? बहुत जरूरी है सर, हमारी मदद करें। प्लीज सर, प्लीज, अब आप जाइए। हमारी रिसर्च का सवाल है सर। जी एक मिनट, मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए। प्लीज सर, प्लीज एक बार सुनिए। प्लीज, अरे आपको समझ में नहीं आता? मैंने कह दिया ना नहीं कर सकता। अरे अरविंद, अब तुम ही इन लड़कियों को समझाओ। सर प्लीज सुनिए तो सही। सब एक साथ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, कोई एक बोलिए ना। सर एक्चुअली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट के लिए हम आप बोलिए ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हमें हमारी रिसर्च के लिए एक बंदर चाहिए, जस्ट वन डे। अगर सुबह ले जाएंगे तो शाम को 5 बजे लौटा देंगे, उसके लिए ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं। डिपार्टमेंट ने हमें सब 1,000 रुपए सैंक्शन किए हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। और उसे कुछ हो गया तो? हाँ, उसे कुछ हो गया तो वो हमारे सर्कस का स्टार है। कुछ नहीं होगा, चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए, पूरा दिन हमारे साथ रहिए, शाम को बंदर के साथ वापस आ जाइए। ओके, बस एक दिन रहूंगा, अगर बंदर भाग गया तो सेठ जी छोड़ेंगे नहीं ना। ठीक है सेठ जी, मैं जाता हूँ इनके साथ, स्टूडेंट्स है ना, इनकी हेल्प हो जाएगी। हो जाएगा, इन लड़कियों से पैसे ऐंठने। क्या सेठ जी कचरा कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंदर के लिए 1100 दे दीजिएगा, 1100 ले लीजिए। हाँ सेठ जी, ठीक है तो सेठ जी मैं चलता हूँ। ये चाहिए तो ले जाओ, फ्री में।
लेकिन बंदर सर्कस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी, चलो चलते हैं। अरे अरे सेठ जी, ये लोग जा रहे हैं। सेठ जी जा रहे हैं, ये लोग रोको इन्हें, जाओ और अपना काम कर। 1000 रुपए में मान जाओ ना सेठ जी। अब आप चाहे तो 50 रुपए मेरे पकड़ से काट लीजिए, आप डन कर दीजिए। अरे रुको, वो चली जाएगी सेठ जी, वो जा रही है। देखिए मैं ओके बोल देता हूँ सेठ जी। ओके ओके ओके, हो गया, ये मान गए। जाइए जाइए, मैं नहीं मानने वाला, जाइए। जाओ जाओ, चल निकम्मे, तू भी जाकर अब अपना काम कर। क्यों रे छावे, तेरे को क्या लगा छोकरी पट गई? साले फटके खाएगा। चकरा गया, सब सुन हो गया यार। साले इतने डेंजर झूले में बैठेगा तो कुछ तो होगा ना, उल्टी आ रही है क्या? चुबे साले, कुछ भी बोलते रहता है। सुन अरविंद, अरविंद, अरे सुन, ए! ए अरविंद रुकना, ए, 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 कुछ नहीं छुआ, ए, मुझे भी साथ लेके चल। ये देख तो, ये तो सारी फोटोज में है यार। सुधा देख लिया। भड़कीली लगती है बाप। क्या यार, चाय पिएगा बेटिंगू? पहले ऊपर तो बिठा। अरे यार, अरे यार, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। उस छोकरी ने तेरे को पहले ही टाइम फूटने को बोला ना, फिर भी उसके पीछे काय को हाथ पैर दुखा रहे लाए। ये फालतू गिरी से तेरे को क्या मिलने वाला है? फोन बज रहा है तेरा, उठा। मेरा फोन नहीं है। अरे तेरी जेब में बज रहा है। बस मेरी जेब में रहा है, लेकिन मेरा नहीं है। चाय पिएगा ना? दो चाय देना। उसका फोन है। ये किस टाइम मारा बे? उस टाइम। तू तो बाप निकला रे। मैसाला आज तक किसी का पॉकेट नहीं मार सका, तूने फोन मार दिया।
वापस दे दूंगा यार। हाँ, ऐसे नीचे से उठाकर दूंगा तो थैंक्स तो बोलेगी ना। समझा? चल जा, देख क्या जा। साले अभी तो बोला वापस दूंगा। वापस दूंगा बोला? अभी दूंगा थोड़ी बोला, कल दूंगा। क्या रे, क्या प्लान है? अभी दूंगा तो सिर्फ थैंक्स बोलेगी। हा? अगर कल दूंगा तो थैंक्स के साथ एक मीटिंग भी हो जाएगी ना। तू तो गुरु निकला। उसका ही होगा। फोन उठा जल्दी। क्यों नहीं अभी उठाया तो उसको लगेगा हम फालतू हैं। काम धंधा नहीं है, फोन का वेट कर रहे थे। इट्स रिंगिंग। मैं फोन उठाऊंगा नहीं ये सोचकर बेचैन हो रही होगी। अबे सिग्नल सिग्नल चला गया। हेलो। हेलो, मेरा नाम सुधा है। या आपके पास जो फोन है वो मेरा है, आज मुझसे खो गया था। ओके ओके, उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। डोंट वरी, मेरे पास ही है। आप कहाँ हैं बताएंगे तो मैं खुदा कर ले लेती हूँ। अरे आप वक्त और जगह बताइए, मैं खुदा जाऊँगा। टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock एम्पा स्काई वॉक। मॉर्निंग 10 o'clock एम्पा स्काई वॉक। ओके, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अरे कोई बात नहीं, मुझे मिला तो आप सो काइंड ऑफ यू कह रही हैं। किसी और को मिलता तो वापस थोड़ी देता। क्या ऐसे ही फोन केयरलेसली रखते हैं? नहीं सर, मैंने उसे बहुत केयरफुली रखा था, लेकिन अचानक वहाँ एक सर्कस वाला आ गया था। वहाँ खींचे हर फोटो में वो पीछे खड़ा था। फॉलो कर रहा था या इत्तेफाक था समझ में नहीं आया, उसी कंफ्यूजन में। या मैं कल फोन दे दूंगा ना, तब बात करते हैं आराम से। हाँ, अभी मैं अपना नंबर भेजता हूँ, आप नाम सेव कर लीजिए। आई एम मिस्टर अरविंद। ओके मिस्टर अरविंद, ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, इसी नंबर से मैं फोन करूंगी आपको। ओके, मेरा फोन संभाल के रखिएगा। ओ भाई तेरी सेटिंग हो गई। क्या प्लान बना के तूने फोन मारा, अब लव की भी कुछ ऐसी सेटिंग कर डाल दियो। ये क्या हो गया? साले ये मेरा प्लान था। हेलो, मैं सुधा बोल रही हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हूँ। मेरा फोन लाए हैं ना आप? लाया हूँ ना। वहाँ एक मिकी माउस खड़ा है, दिख रहा है? हाँ दिखा। उसके पास जाकर अपने नाम का पहला लेटर बोलो। क्यों, फोन नहीं चाहिए क्या? ओके। एस, मेरे नाम का पहला अक्षर है एस। हेलो, ये तो आधा ही फोन है। हाँ, तुम्हें फोर्थ फ्लोर की फ्लावर शॉप पता है? हाँ पता है। हाँ, वहाँ जाकर अपने नाम का सेकंड लेटर बोलना। एक्सक्यूज मी। जी। मेरे नाम का सेकंड लेटर है यू। हाँ, ये आपके लिए और ये भी। सामने KFC दिख रहा है? हाँ। क्या वहाँ लास्ट टेबल पर एक आदमी ग्रे टी-शर्ट पहनकर फोन पर बातें कर रहा है? हाँ हाँ। क्या आप उसे जानती हैं? मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? आप उसी से तो बात कर रही हैं। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, पर वो। हाय, आ जाओ सिट। तब ये बच्चा कुछ सॉरी, मेरे फोन की वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। प्लीज, नाइस ड्रेस। उस दिन की सारी फोटोज में आप थे, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो गया था, सॉरी। नहीं नहीं, आजकल के जमाने में होशियार रहना पड़ता है, यू हैव टू बी। सो एनीवे, आई एम सुधा, सुधा चतुर्वेदी। मैं अरविंद। देखिए फोन ऑन करते ही कोई कॉल आ गया। हेलो, हाँ मैं अभी एक दोस्त के साथ हूँ, मैं तुम्हें 45 मिनट्स में फोन करती हूँ। ओके। हाँ हाँ, क्या आज वेंसडे है? ओ व्हाट टाइम? ओके ओके, मैं भी आती हूँ।
अरविंद नहीं नहीं तुम्हें नहीं अरविंद आई हैव टू गो आई एम सो सॉरी इट्स एक्सट्रीमली अर्जेंट आई कंप्लीटली फॉरगॉट थैंक यू हाँ बोलो आई नो इट्स माई मिस्टेक बट यू शुड हैव रिमाइंडेड मी प्लीज सुधा बोल रही हूँ हाँ, अरे कैसी हैं आप ये क्या आप हाथी पर क्यों बैठे हैं आप है कहाँ आपने कैसे देख लिया आपके ऊपर आपको एक ब्रिज दिख रहा है हाँ? उसी ब्रिज से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है हाँ बस स्टॉप तो दिख रहा है वहाँ एक लड़की ब्लैक ड्रेस और रेड दुपट्टा पहनकर फोन पर बात कर रही है दिखाई दिया हाँ अब दिख गई वो फोन पर किससे बात कर रही है पता है मुझसे बात कर रही है तो वो आप हैं रुक जा हाय हाय कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ सॉरी उस दिन मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई लेट हो गई थी ना अरे उस दिन की बात छोड़िए आज बात करते हैं आप कहाँ जा रही हैं एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आइए हाँ हाथी पर नहीं नहीं मुझे नहीं आना मुझे डर लगता है आपको हाथी तो पसंद है ना हाँ पसंद बहुत है छोटी थी तब से तो फिर क्या प्रॉब्लम है आइए ना आइए नहीं सब लोग देखेंगे अरे उनकी टेंशन छोड़िए मैं हूं ना आपके साथ आ जाइए हाँ पैर रखिए बिल्कुल ठीक हाथ दीजिए चढ़ जाओ बैठ जाओ आराम से कोई टेंशन नहीं ओके है ना चुपता है मैडम ये हाथी है सोफा कम बेड नहीं इतना तो चुभेगा ही ना आप टेंशन मत लो ओके आप कहाँ जा रहे हैं वो लक्ष्मी की तबीयत खराब है ना इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ तो लक्ष्मी पीछे गाड़ी में आ रही है अरे लक्ष्मी है हथनी है इसकी तबीयत खराब है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं ओह माय गॉड तो हम एक पेशेंट पर बैठे हैं तो क्या इसके साइज का स्ट्रेचर मंगवाऊं गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं यार सर्कस देखने के लिए सर्कस वहां सर्कस नहीं लगता है क्या गांव से आ रहे गांव में कभी सर्कस लगता है क्या तू पहले रुकी 20 टिकट बुक कर देना अरे अरविंद तेरे घर वाले आ गए अभी गए अच्छा हूँ बेटा कैसा है तू आजा दादी को भी लेकर आ गया बेटा कैसी हो तुम चाची ठीक हो मैं ठीक हूँ बेटा और चाचा कहीं जाना तो नहीं है ना फिलहाल तो कहीं नहीं यही रहेंगे तो चलिए पहले सर्कस देख लेते नहीं मुझे नहीं देखना अपना घर ही एक सर्कस है इनको लेकर जाओ देखिए चाची कितनी मोटी हो गई पहलवान जैसी लग रही है नजर मत लगा मुझे पढ़ाई कर रही हो ना कौन सी क्लास में हो दसवीं में हमारी कैसा है अरे दादी मैं ठीक हूँ कहाँ देख रहा तू कुछ घर से मैं मिठाई लाई हूँ लो घर से लाई हूँ बेल बज गई अरे मेकअप कैसे होता है किसको किसको देखना है चलो आप लोग अंदर बैठिए देखा आपने मिठाई खाए बिना ही चला गया और बच्चों को भी साथ लेके चला गया कम से कम बाद में खा लेगा ना वैसे ही परेशान हो अरे सुनो तुम इसे कह रही हूँ सुनो सुनो अब इसको कौन दिख गया हेलो हेलो मैडम आपको ये लोग बुला रहे हैं यहाँ हो ना कौन है कैसी हो तुम आप कौन है क्या हुआ हमें पहचाना नहीं नहीं याद नहीं एक आध साल पहले तुम हमारे गांव आई थी बोधिधर्मन करके सबसे पूछताछ कर रही थी वो मैं नहीं थी सुना जी ये क्या कह रही है आप ही इसे नहीं पहचानते नहीं तो अपने घर पर आकर सबका ब्लड टेस्ट किया था इसने इसके साथ दो चार लड़कियां और भी याद आया वही तो रहा लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं है आपको कुछ याद नहीं रहता सुनो लड़की हमारे घर पर आकर अरविंद के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी तो आप क्या बोल रही हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं तो अरविंद नाम के किसी को भी नहीं जानती लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन है सॉरी मुझे जाना है देखा कैसे पहचाने से इनकार कर रही है मुझे भी इसकी शक्ल जानी पहचानी लगती है गिफ्ट देते ही वो जरूर मान जाएगी आई लव यू लिखी देता हूं आई लव यू वाओ इट्स सो नाइस थैंक यू इसे
मैंने खुद बनाया है। सच कह रहे हो? हाँ। तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ। इस पर क्या लिखा है पढ़ो ना। आई लव यू। ओह थैंक यू, आई लव यू टू। मेरी सहेली मालती को ऐसी डॉल्स बहुत पसंद है, उसके लिए भी एक बना सकते हो प्लीज? वो देखेगी तो तुरंत छीन लेगी, नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी एक बनाना। ओके बट थैंक यू सो मच, इट्स लवली, थैंक यू। ठीक है मैं काम से जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूँ? मैं अरे चलो। हाँ कम। एक मिनट। हाँ क्या भेड़ू, गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ दे दिया। सुपर सुपर, ए अरविंद ने गिफ्ट दे डाला। क्या कहा? आई लव यू टू कहा। कंग्रेचुलेशंस। नहीं यार, उसके आई लव यू टू का कोई मतलब नहीं था, ऐसा लगा जैसे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। आजकल लड़कियां सबको लव यू प्रसाद के जैसे बांटती हैं। क्लास में किसी लड़के को लव यू बोला, कैंटीन में किसी लड़के को लव यू बोला, टाटा बाय बाय जैसे हो गया है भेड़ू। ये सिचुएशन कुछ अजीब होती जा रही है, अभी मैं एटीएम में खड़ी हूँ, वो बाहर खड़ा है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उस पर आई लव यू लिखा है, मैंने तब तो कुछ भी बोलकर मैनेज कर लिया, पर अब क्या करूँ? संभालना हा? उसको दिमाग से हैंडल करना, बस ये याद रखो हमारे लिए वो जरूरी है, केयरफुली हैंडल करना। और कह रही थी कि उसके दोस्त के लिए भी एक बना कर दूं। आई विल कॉल यू लेटर। वो आ गई, रखता हूं। चलो चलते हैं। अरविंद दो मिनट रुकना, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय अंकल। आओ बेटी सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके। बुक लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? वो तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी, अभी चाइना और यूएस को थीसिस भेजी है और यहाँ भी परमिशन के लिए अप्लाई किया। अच्छा है। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क लिया है अंकल। हाँ बेटा रिस्क तो था, लेकिन ये जरूरी भी तो था। बुक आ गई इतना काफी है, इसलिए कोई टेंशन मत लेना। ओके। तुमने उस लड़के को बता दिया ना? क्या तुम कल सुबह 10 बजे फ्री रहोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जैसा तुम कहो, मुझे भी कुछ बात करनी है, लगता है हम दोनों एक ही बात करने वाले हैं। ओके बाय। बाय। अरे चाचा। ए, कौन थी वो लड़की? आपने देख लिया, मेरी दोस्त है, रुकिए बुलाता हूँ। रुक जाओ, कब से जानते हो तुम उसको? यही कोई 2-2.5 महीने से। सिर्फ 2-2.5 महीने से? वो तुम्हें 1.5 साल से खोज रही है, जानते हो? नहीं नहीं आप भी ना, एक रिसर्च के लिए उसे बंदर की जरूरत थी, तभी मुलाकात हुई थी। उसे बंदर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। 1.5 साल पहले हमारे गांव में आकर बोधि धर्मन के वंश के कौन कौन है पूछ कर हम सबका ब्लड टेस्ट किया था। बोधि धर्मन और तुम्हारी फोटो को एक साथ रख कर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, ये सब पूछा था उसने। उसके बाद मैंने उसको दोबारा यहाँ देखा, हमें नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। वो बोली कि तुमको भी नहीं जानती, तुम्हारी चाची ने उसको पहचान लिया था और मुझे भी शक हुआ था, अभी देखा तो तुमको बाइक पर छोड़ कर गई। अरविंद क्या हुआ तुम्हें, अभी तो ड्रॉप करके आई थी। कौन हो तुम, 1.5 साल से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, बताओ। अरविंद आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ अरविंद, अरविंद प्लीज मेरी बात सुनो। Thank you.
तो सब कुछ प्लान था। प्लान बनाकर मुझे धोखा दिया। अरविंद, मैं इसी बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी। मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। पागल था, मैं तुम पर विश्वास किया। ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है, सबने पूछा मुझसे, लेकिन मेरे भेजे में बात घुसी नहीं। झूठ झूठ बस झूठ बोलती रही। मेरे जीते जी मेरा पोस्टमार्टम कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये चूहा, ये खरगोश, इन पर भी रिसर्च करती हो? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन तुम तो ये सोचने लगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर मैं तुमसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम रिसर्च के लिए कभी राजी नहीं होते। इसी डर से मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया। सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेने से प्यार नहीं हो जाता अरविंद। बकवास बंद करो। तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी, अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर देती, किसी भी हद तक गिर जाती। बस करो अरविंद, तुम किसी और मतलब से ये बात बोल रहे हो। हाँ, मैं उसी मतलब से बोल रहा हूँ। लड़कियों से ना मिलना ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी परवरिश हाथी ऊंट जैसे जानवरों के बीच ही हुई है। उस पे एक लड़की ने हंसकर बात कर ली तो प्यार हो गया। हाँ सुधा, प्यार हो गया मुझे। माना कि मैं जानवरों के बीच रहा, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा। प्यार का नाटक नहीं किया जैसा तुमने किया। पता है तुम्हें, उन जानवरों से प्यार करना गलत नहीं था, पर तुमसे प्यार करके गलती कर दी, है ना? सही कहा। प्यार के अलावा तुम्हें पता भी क्या है? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। अरविंद, मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी? नहीं छोड़ सकती। सुनिए, ये बहुत उदास है। जब से आपके घर से आया इसे किसी चीज की होश ही नहीं है। एक घंटे के लिए मेरे साथ चल सकते हो? आहा, ऐसे ही प्यार में फंसा कर छोड़ दिया बेचारे को। हमारे अरविंद में क्या कमी है? बस अब चुप हो जाओ प्लीज। सिर्फ एक घंटे के लिए चलो मेरे साथ। ए अरविंद, तुझे जाना चाहिए। आप गाड़ी के पास जाइए, मैं इसे भेजता हूँ। यहाँ क्यों लेकर आई हो? आओ बताती हूँ। यहाँ रखी हुई हर चीज के पीछे एक कहानी है। हम लोग इस देश के सच्चे नागरिक नहीं हैं। हजारों हजारों साल पहले इस देश को वीरता और सभ्यता जिन्होंने सिखाई थी, वही सच्चे नागरिक हैं। ये म्यूजियम नहीं है अरविंद, इस देश के सच्चे नागरिकों की समाधि है। अगर मैं कहूं कि आज की मॉडर्न साइंस की विद्या से वो लोग 500 साल आगे थे तो तुम विश्वास करोगे? साइंटिस्ट ने स्पेस रिसर्च से ये बताया है कि 9 ग्रह हैं। वो टेलीस्कोप से देखकर बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस देश में आज से हजारों साल पहले लोग मंदिरों में 9 ग्रहों की पूजा करते थे। कैसे? धरती का रेडियस 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने कैसे बताया था? आज अगर बोलते हैं बारिश होगी तो धूप निकलती है, अगर कहते हैं धूप निकलेगी तो बारिश होती है। यही है मॉडर्न साइंस। लेकिन 20 साल बाद आने वाले अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में हम घर बैठे बैठे आज ही बता देते हैं। वो कैसे? ये है हमारा साइंस। इस किताब को देखो। इस किताब का और मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन तुम्हारा इस किताब के साथ संबंध है। पता है ये किताब किसने लिखी है? ग्रेट मास्टर बोधिधर्मन। एक भारतवासी, उन्हें दूसरा बुद्ध मानते थे। इस किताब में क्या है ये जानने से पहले तुम्हें कुछ और दिखाना है। रो मत बेटा, खाना खा लो। इन बच्चों को देखो, इन सबको कैंसर है।
7-8 साल के बच्चों को कैंसर हो गया, इनकी क्या गलती हो सकती है? इतनी सी उम्र में इन्होंने ऐसा कोई नशा भी नहीं किया कि इन्हें कैंसर हो जाए। ये बच्चे मेंटली चैलेंज्ड हैं। दूसरे सभी बच्चे खुशी से स्कूल जाते हैं, पर सिर्फ ये जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या वजह हो सकती है इसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्म से ही होता है। एक इंसान का डीएनए ही उसकी बीमारी या उसकी काबिलियत दोनों तय करता है। हमारे शरीर के हर एक सेल में वो डीएनए होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मुझे मेरे पूर्वजों से उनकी बीमारी या काबिलियत भी मिल सकती है, जैसे हार्ट अटैक, घुटनों का दर्द, डायबिटीज। इन बच्चों को हुई ये खतरनाक बीमारी, इन सब का कारण खानदानी डीएनए हो सकता है। ऐसी बीमारी जो खानदानी है, इसका इलाज हम डीएनए से ठीक कर सकते हैं, यही मेरी रिसर्च है। अरे हाँ, एक और खास बात, इस रिसर्च से गुणों और काबिलियत को भी आसानी से वापस लाया जा सकता है। एक चित्रकार और एक वीर पुरुष के वंशजों के डीएनए में वो काबिलियत अभी भी होगी। उस डीएनए को ट्रिगर करके हम उस काबिलियत को वापस ला सकते हैं। इसी के बारे में बोधिधर्मन ने 1600 साल पहले उस किताब में लिखा है। 1600 साल पहले लिखी किताब में डीएनए रिसर्च के बारे में लिखा है? पता है, इन सबको हमें भगवान नहीं मानकर एक साइंटिस्ट मानना चाहिए। अभी 2 साल पहले की बात है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बोधिधर्मन के कब्र की खुदाई की। ये देखो, कब्र से मिले बोधिधर्मन के स्केलेटन, बाल और दांतों से रिसर्चर्स को उनके डीएनए का सैंपल मिला। ये मैंने इंटरनेट पर देखा था। ये है बोधिधर्मन का डीएनए। बोधिधर्मन के वंश के लोग, यानी तुम्हारे रिश्तेदार, आज भी कांचीपुरम के पास रहते हैं, ऐसा मुझे पता चला, और फिर मैं उनसे मिलने गई। बोधिधर्मन का डीएनए पैटर्न तुम्हारे किसी रिश्तेदार से मैच करेगा, ये सोचकर मैंने उन सबका ब्लड टेस्ट किया। उस दौरान मैं तुम्हारे चाचा के घर भी गई। पर वहां कुछ देखकर मैं हैरान हो गई। दीवार पर लगी तुम्हारी फोटो बिल्कुल बोधिधर्मन जैसी लग रही थी। फिर तुम्हारे एक हेयर ब्रश से मुझे तुम्हारे कुछ बाल मिले। जैसा मैंने सोचा था, तुम्हारा डीएनए पैटर्न बोधिधर्मन के डीएनए पैटर्न से 83% मैच हो रहा था। बस तभी से मैं तुम्हें ढूंढने लगी। सर्कस में चोट लगने से जब तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, तो मेरी रिसर्च की सारी जरूरत की चीजें मैंने डॉक्टर से ले ली। बोधिधर्मन के गुण मुझे तुम्हारे डीएनए में मिले, इसे जेनेटिक मेमोरी कहते हैं। उस डीएनए को ट्रिगर करने से बोधिधर्मन की काबिलियत तुम्हारे अंदर आ जाएगी। यस, 1600 साल पहले जो बोधिधर्मन जिंदा थे, उनकी सारी काबिलियत को अब हम वापस ला सकते हैं। लेकिन उनकी काबिलियत आज कैसे इस्तेमाल होगी? बोधिधर्मन बहुत बड़े वैद्य थे। हमारे देश के लगभग हर जंगल में हजारों बीमारियों के इलाज के लिए जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनकी दी गई जानकारी समय समय पर नष्ट होती गई। बोधिधर्मन को हर एक पत्ते का गुण और जड़ की पहचान थी। इस जानकारी से पूरे विश्व का फायदा होगा, पर यह सब मुमकिन हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। मुझे क्या करना होगा?
वेलकम सर। उधर क्या करा रहे? ये तुम कोई पूछता माए? यार ये गुरखा है क्या रे तू? कौन है तू? क्या करता इधर? चलो एक आ रे बाग, सुई दवाई ग्लाउज पेटी साहिब, फक्त हड्डी दिसते। कौन रे तू? क्या हो रहा है टोंगली? ऑपरेशन रेड की सक्सेसफुल शुरुआत हो चुकी है। क्या कोई मरा? 9 पुलिस वाले। वो लड़की कब मरेगी? सुधा, उसे मैं कल मार दूंगा। बोधी धर्मन दोबारा जिंदा नहीं होना चाहिए। बोधी धर्मन का वजूद ही मिट जाएगा। थैंक्स अरविंद। थैंक्स किस लिए? तुम इस रिसर्च के लिए राजी हुए इसलिए। आज जो मीटिंग होने वाली है वो 3 साल से मेरा सपना है। तो तुम 3 साल से कोशिश कर रही? 3 साल पहले तो मैंने अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था। बहुत रेफरेंसेस जमा करके थ्योरी भी कर चुकी हूँ। अमेरिका, चाइना और कनाडा में थीसिस भी भेजी थी, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या तुम वो इंडिया में नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, पर जिंदा इंसान की रिसर्च करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, इसलिए ये मीटिंग रखी है। आज सब बड़े साइंटिस्ट आए हैं, लेकिन मैं ही इस रिसर्च को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। देखो, इस तरह के रिसर्चेस द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स में कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स पर रिसर्च कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, थियोरेटिकली तुम्हारी रिसर्च बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक यू। देखते हैं बाकी के साइंटिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं। ओके। ये प्रोफेसर रविंद्रनाथ त्यागी हैं। दुनिया के सभी साइंटिस्ट के साथ इनका कनेक्शन है, मुझे काफी इनकरेज करते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि मेरी डीएनए रिसर्च है
इम्यूनिटी को डेवलप करना हेरिडिटरी डिजीजेस के खिलाफ। थैंक यू। नेक्स्ट सुधा चतुर्वेदी। आई एम सुधा चतुर्वेदी। I'd like to thank everyone for this wonderful opportunity today. I'm pursuing genetic engineering. Even school kids conduct genetic researches nowadays. My research is based on genetic disorders and genetic memory. मैं भारत के विकास और खोज के बहुत सारे उदाहरण देना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? बहुत सारे लोगों के लिए दूसरे बुद्ध कहलाने वाले बोधिधर्मन 6th century में जीवित थे। आत्म सुरक्षा और चिकित्सा पद्धति दोनों में भी वो बहुत गुणवान थे। बोधिधर्मन के वंशजों के डीएनए की जांच करने पर अरविंद नाम के एक शख्स का डीएनए बोधिधर्मन के डीएनए से 83% मैच हुआ। इस जेनेटिक मेमोरी को एक्टिवेट करना ही मेरी रिसर्च है। तुम्हारी रिसर्च तो बहुत एडवांस है, अमेरिका ने इस पर अभी सोचना ही शुरू किया है। नहीं सर, बोधिधर्मन ने उस किताब में इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। हिंदी किताब पढ़ के जेनेटिक रिसर्च नहीं कर सकते हैं। वो किताब हिंदी में है, बस इसी कारण से उसे बेकार मानना क्या सही होगा सर? मिस्टर नेल्सन, ये तो आजकल का फैशन हो गया, जहाँ भी देखो बस हिंदी हिंदी ही बोलो। सुनिए, 800 साल पहले आई हुई इंग्लिश आपके लिए अहम हो सकती है, लेकिन मेरे लिए उससे पहले आई हुई हिंदी ही हमेशा अहम रहेगी। इस दुनिया में बंदर 10 लाख साल पहले आए थे और मनुष्य सिर्फ 2 लाख साल पहले। तो क्या अब बंदर मनुष्य से बड़ा हो गया? तुम्हारी हिंदी बंदर के जैसी है। हाँ, पुरानी तो है लेकिन किसी काम की नहीं है। सुधा, सुधा प्लीज। उन्होंने एक बार और हिंदी भाषा को बंदर कहा तो उनका मुंह तोड़ दूंगी। यहाँ सब लोग हिंदी जानते हैं, तो उस आदमी को हिंदी का मजाक उड़ाने की क्या जरूरत है? तेरे दादाजी का गांव तो अलीबाग था ना, तो जर्मनी में सेटल होने से तू हिंदी भूल गया क्या? सिर्फ इंग्लिश में बात करूँ तो आप लोग विश्वास कर लोगे, लेकिन हिंदी में बोलूँ तो मेरा मजाक उड़ाओगे। हम यंगस्टर्स का यहाँ कोई चांस ही नहीं है। रिजर्वेशन, रिकमेंडेशन, करप्शन, इसीलिए काबिल लोग विदेश जाकर काम करते हैं। पहले अंग्रेजों ने यहाँ आकर हमसे गुलामी करवाई, आज हम वहाँ जाकर उनकी गुलामी कर रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? इसलिए यंगस्टर्स को नहीं बुलाना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था। ये लड़की है क्या? कहती है मुंह तोड़ दूंगी। क्या हुआ सुधा? इंडियन होने के कारण विदेश में इज्जत नहीं देते हैं, हिंदी बोलने के कारण इंडिया में इज्जत नहीं देते हैं। क्या कहा उन्होंने? वो लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आपका असाइनमेंट हमने कल ही पढ़ा, रियली फैंटास्टिक स्टफ, सक्सेस यकीनन मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होने वाला, आप अमेरिका चले जाइए। सुनो, तुम्हारे कहने पर भी वो लोग नहीं मानेंगे क्या? सॉरी सर, हमने कुछ कहा तो वो हमारे मार्क्स काट लेंगे। मतलब ये हमारा नंबर है, अगर रिसर्च में किसी मदद की जरूरत हो प्लीज कॉल अस। तो अब हम क्या करेंगे? इनके सपोर्ट के बिना हम इंडिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। सुधा चतुर्वेदी आप ही हैं? हाँ, मैं ही सुधा हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। पुलिस? क्या मैं भी चल सकता हूँ? आप भी चल सकते हैं, आइए। इसे पहचानती हैं आप? संतोष, ये तो मेरा पड़ोसी है, पर इसे यहाँ क्यों? इसने अपने बाप को मार दिया गला काट के। ये हादसा हुआ है आपके दरवाजे के सामने। अब ये बार बार कह रहा है कोई चाइनीज आदमी आपको मारना चाहता है, पूछिए इसे। संतोष। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया दीदी। कुछ आवाज सुनकर पिताजी गए, आपके दरवाजे का ताला कोई चाइनीज आदमी खोल रहा था। पिताजी ने उस चाइनीज आदमी से पूछा तो उसने पिताजी का गला काट दिया। मुझे लगता है वो आपको मारने आया था दीदी। बस यही बात दोहराया जा रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, यही है वो, यही है वो दीदी, सर के वही है। दीदी आप भाग जाइए, आप भाग जाइए, यह आपको मार डालेगा दीदी। Hey!
उसने बस एक बार देखा और पुलिस वाला गोली मारने लगा। है कौन वो? जब उस लड़के ने बोला तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। क्या है ये? वो हिप्नोटिज्म है। ये कला भी इंडिया से ही बाहर गई है, लेकिन वो चाइना से यहाँ आया क्यों है और वो मुझे क्यों मारना चाहता है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऑटो घुमा लो, उसे फॉलो करते हैं। ऑटो घुमा लो। अरविंद, क्या कर रहे हो? अभी तो हम उससे बचकर भागे हैं। वो कहां से आया है, क्यों लोगों को मार रहा है, कुछ नहीं पता। कुछ तो पता लगाएंगे। तुम ऑटो घुमाओ। अरविंद, चलो जल्दी करो। मेरी बात सुनो अरविंद। अरविंद, बहुत बड़ा रिस्क है ये। देखा, वो जा रहा है। उस गाड़ी को फॉलो करो, जल्दी करो। ओके सर। कोई तो रहता है जो इसकी मदद कर रहा है। ये तो वही प्रोफेसर है। घर है प्रोफेसर का या किसी फिल्म स्टार का? ओके, वो लोग कभी भी आ सकते हैं, उससे पहले हमें ढूंढना होगा। पर ढूंढना क्या है वो तो बताओ। उस चाइनीज और प्रोफेसर के बीच क्या है ये ढूंढना है। हाँ। अगर कोई छोटी सी भी चीज अजीब लगे तो मुझे बताना। ओके। अरविंद, अरविंद, मैं टेंशन में हूँ कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था कोई अजीब चीज ढूंढो और तुम डस्टबिन में क्या ढूंढ रहे हो? किसी आदमी की अच्छी बातें जाननी हो तो उसकी किताबों को देखो, और अगर बुरी बातें जाननी हो ना तो कचरे के डिब्बे में देखो।
ट्रैश में ही काम का मेल मिला। ऑपरेशन रेड के नाम से चाइना वाले इंडिया में कुछ करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने डोंग ली नाम के एक आदमी को भेजा है। मतलब ये चाइनीज आदमी ही डोंग ली है। पर प्रोफेसर के साथ उसका क्या कनेक्शन हो सकता है? उन्होंने प्रोफेसर के अकाउंट में 300 करोड़ रुपए डाले हैं। 300 करोड़? ये मेल मैं खुद को फॉरवर्ड कर देती हूँ। ये तो कुछ बड़ा गेम लगता है। हाँ। कल ही प्रोफेसर को कॉलेज में मिलते हैं। जब इस मेल के बारे में बताएंगे ना तो सब कुछ बक देगा। One second. वही है। कौन वो? सुधा, बात करो उससे। हेलो सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्या मैं कल आपको डिपार्टमेंट में मिल सकती हूँ? क्या ये तुम्हारे? हाँ सर, उसी रिसर्च के बारे में बात करनी है। एक मिनट सुधा, वो कल मुझसे मेरे डिपार्टमेंट में मिलना चाहती है। उससे आइडिया ले रहा है, उसे हमारी तलाश जो है, कहेगा डिपार्टमेंट में मत आना, किसी पब्लिक प्लेस में आकर मिलना। सुधा, क्या हम कल लोखंडवाला सर्कल पर मिल सकते हैं? डिपार्टमेंट मत आओ, वहाँ हम किसी कॉफी शॉप में बैठकर बात करेंगे। ओके सर, ओके, थैंक यू। कल 9 बजे लोखंडवाला सर्कल मिलने के लिए बोला है, किसी कॉफी शॉप में। देखते हैं कौन किसके जाल में फंसता है। काफी दिनों से पूछना था, तुम्हारे फैमिली वाले कहाँ हैं? मुंबई में। इस वक्त तुम्हें मेरी फैमिली कैसे याद आ गई? मेरे पिताजी कोल्हापुर में एक बहुत बड़े वैद्य थे, बहुत काबिल थे। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो डायग्नोज नहीं कर पाते थे, मेरे पिताजी यूं कर देते थे। उनकी वजह से औरों के क्लिनिक्स नहीं चलते थे, इसलिए पिताजी एक ढोंगी डॉक्टर हैं, बिना डिग्री के इलाज करते हैं, ऐसा कहकर 3 साल उन्हें जेल में डाल दिया। उसके बाद किसी से वो बात नहीं करते थे, फिर कुछ दिनों बाद ही वो गुजर गए। उसके बाद कोल्हापुर में हमारा हॉस्पिटल एक लॉज बन गया, उसका किराया मुझे आता है। That's it. मेरी एक फ्रेंड का घर यहाँ पास ही है, सुबह वहीं फ्रेश होकर चले जाएंगे। तुम सोना मत हाँ प्लीज। इतनी रात गए फॉरवर्ड मैसेज भेज रहे हैं, सब्सक्राइबर इज स्लीपिंग। अकॉर्डिंग टू जेम्स वॉटसन, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए अलाउज अस टू एक्सट्रैक्ट द डीएनए एंड क्लब देम टुगेदर, सो बाय दिस यू कैन आल्सो आइसोलेट। इमीडिएटली राइस अवॉइड करना होगा, फिर पावर योगा शुरू करना होगा। आईने में चेहरा देखती हूँ तो लगता है कि चेहरा सूज गया है। कहाँ जाना है? पोस्ट ऑफिस। हेलो, हाँ बोलो सुधा। कहाँ हो तुम? प्रोफेसर ने 9 बजे मिलने के लिए कहा था, अभी 9:10 हो चुके हैं, कहाँ हो? अरे मैं आ रहा हूँ, बस में हूँ। क्या बस में? तुम इस मैटर को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ वेट कर रही हूँ। अभी प्रोफेसर को कैसे मिलेंगे? डोंगली भी तो उसके साथ ही होगा ना। उस प्रोफेसर का नंबर मुझे मैसेज कर दो। हेलो सर, पनवेल में 30 एकड़ की जमीन है, खरीदेंगे क्या? कौन है, क्या चाहिए? आप ही चाहिए सर, पता चला कि चाइना से आपको 300 करोड़ रुपए मिले हैं, सोचा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो फोन किया। कुछ समझ में नहीं आया, मुझे हिंदी नहीं समझते। हाँ हाँ, अब तो आप हिंदी में कहाँ समझेंगे, चाइनीज में बोलूंगा तो ही समझ में आएगा ना, आजकल तो वही आपका लेन देन बहुत ज्यादा चल रहा है। सुनो, तुम अपने हाथ आग में दे रहे हो, चल कर राख हो जाओगे। अबे चुप, तूने जो चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए वो और ऑपरेशन रेड की सारी डिटेल्स मैंने तेरे कंप्यूटर से निकाल ली है। हेलो, वो मुझे दे दो, मुझे वो सब वापस कर दो। ए, मेरे को क्या येड़ा समझा है क्या? अब मेरे 2 सवालों का जवाब दे। तुम लोग सुधा को क्यों मरवाना चाहते हो?
और ये ऑपरेशन रेड क्या है? हेलो, मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, मैं बाद में फोन करता हूँ। ए, ए, तेरा वो चाइनीज दलाल फोन कर रहा है? अगर फोन काटा तो आज शाम को सारे न्यूज चैनल्स में ऑपरेशन रेड की खबर आ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे क्या करना है बताओ? ऑटो में बैठ। ऑटो में? ऑटो में बैठ। ऑटो। बैठ गया? हाँ, आना कहाँ है मुझे? बीकेसी आ जा। ड्राइवर बीकेसी ले लो। लीलावती के पास हूँ। उतर कर स्टेशन की तरफ चलने लग। लेकिन क्यों? तू बस चुपचाप चलना शुरू कर। जो बस खड़ी है उसमें चढ़। क्या बात है, यहाँ क्यों बुलाया? पहले अंदर आओ। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? आपको किसने मारा? मैंने मारा। ए, कोई इस तरह प्रोफेसर को मारता है क्या? ए, तू जानता है इसने क्या किया? चाइना से 300 करोड़ रुपए लिए हैं इसने। ऑपरेशन रेड नाम का कोई खतरनाक मिशन है। ए, बताता है या? ऑपरेशन रेड का मतलब चाइना इंडिया से करने वाला है बायो वॉर। बायो वॉर मतलब? एक जमाने में देश आपस में तलवारों से लड़ते थे, उसके बाद बंदूकों से, लेकिन अब जमाना है न्यूक्लियर वॉर का, जहां पर अपने घर में बैठे बैठे देश के देश तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन इस बायो वॉर में बंदूक नहीं, रॉकेट भी नहीं, इट्स अ वायरस। सिक्स्थ सेंचुरी में होंगसिंग नाम के वायरस से चाइना में बहुत लोगों की मौत हुई थी। उसी वायरस को फिर से बनाकर इंडिया को शमशान बनाने के लिए डोंगली नाम के स्पेशलिस्ट को यहां भेजा गया है। उसने उस वायरस को एक गली के कुत्ते में इंजेक्ट कर दिया है। अब यह गली का कुत्ता 24 घंटे में यह बीमारी खाने के जरिए फैला देगा। अब तक बहुत
से कुत्तों में ये बीमारी फैल गई होगी। कुत्तों से इंसानों में भी ये जल्दी फैलेगी। किसी जमाने में साइंटिस्ट हर बीमारी की दवा की खोज करते हैं, अब नई नई बीमारियों की खोज करते हैं। इस बीमारी की दवा कोई नहीं खोज सकता, लेकिन चाइना में इस दवा की खोज हो चुकी है 1600 सालों पहले बोधिधर्मन नामक एक महान पुरुष के नुस्खे के जरिए। अब इस बीमारी से सिर्फ 60 दिनों में हमारी आबादी में से 30 लाख लोग मारे जाएंगे और हमारा देश इस बीमारी की दवा के लिए लाचार हो जाएगा। चाइना तब अपनी दवा का ऐलान करेगा और उस दवा के बदले चाइना भारत से अपनी सारी मांगे मनवा लेगा, और यही है वो बायो वॉर। तो तुम सुधा के पीछे क्यों पड़े थे? आज से 3 महीने पहले सुधा की थीसिस को मैंने चाइना भेजा था। बोधिधर्मन के डीएनए रिसर्च से चाइनीज दंग रह गए। अगर बोधिधर्मन की काबिलियत और शक्तियां किसी में वापस आ गईं, तो भारत इस बीमारी की दवा बना लेगा। उसी को रोकने के लिए तुम्हें और सुधा को वो मारना चाहते हैं। अच्छा, तो ये गेम है। पैसे के लिए देश को बेच दिया। पहले ही देश में नकली डॉक्टर, नकली दवाइयां, अब नई बीमारी भी पैदा कर दी। साले, ये बीमारी तेरे परिवार को हो गई तो। अरविंद, one second, अरविंद, we have to do something। पहले ये पता लगाना है कि क्या शहर में बीमारी फैल चुकी है। मेरे अंकल सिटी कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। Call him। हाँ, मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ। Call him immediately। We have to deal with this one step at a time। क्या बात है अश्विन? अंकल, मुझे एक जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शहर में कोई बीमारी फैली है क्या, जिससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं? और वेटनरी हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते एडमिट हो रहे हैं क्या? मुझे 20 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको फोन करता हूँ। ठीक है, वो 20 मिनट में बताएंगे। हाँ हाँ, 9 बजे पोस्ट ऑफिस से हमारी ही गाड़ी गई थी। बुक करने वाली का नाम है सुधा चतुर्वेदी, लेकिन कहाँ ड्रॉप किया ये नहीं बता सकता मैं। रूल्स नहीं है, नो रूल्स नो डिटेल्स। मुझे एड्रेस चाहिए। फास्ट ट्रैक, कैन आई हेल्प यू? 19th एवेन्यू, संघमित्र अपार्टमेंट्स, आदर्श नगर। 10 मिनट में आ जाएगी मैडम। अरे, तुम अभी तक गए नहीं। मैंने कहा मुझे एड्रेस चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है भाई? डोंगली। डोंकी वोंकी नाम के आदमी को हम डिटेल नहीं दे सकते। हेलो अंकल। हाँ बोलिए। हाँ अश्विन, तुम्हारी खबर सही है। कूपर हॉस्पिटल में कल 6 लोग एडमिट किए गए थे। कल सुबह 8:30 को एक मरा, 11:30 बजे दूसरा मरा। अभी तक बीमारी का डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। वेटनरी हॉस्पिटल में एक ही दिन में लगभग 300 बीमार कुत्ते लाए गए हैं, ऐसी खबर मिली है। इसके बाद और कोई डिटेल मिलेगी तो मैं तुमको कॉन्टैक्ट करता हूं। हमें तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी। अच्छा, और इनका क्या करें? क्या इस कमरे के अंदर लैंडलाइन है? नहीं है। नहीं है ना? सीढ़ियों से चलते हैं।
सिक्स सेंचुरी की वो बीमारी भारत में नहीं आनी चाहिए, यही सोचकर बोधिधर्मन चाइना गए थे, लेकिन वो आ ही गई। इतना बड़ा विश्वासघात, वो कमीना मेरे हाथ लग गया ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं अरविंद, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा खतरनाक है ये फैलने वाली बीमारी। अगर इन पेशेंट्स को इस तरह जनरल वार्ड में रखा गया तो ये और ज्यादा फैलेगी। चलो सबसे पहले इन पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड में ले जाना होगा। अश्विन, तुम हेल्थ मिनिस्टर को कांटेक्ट करके इस बीमारी की सीरियसनेस बताओ। इमरान, तुम इन पेशेंट्स के मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करके WHO को मेल करो। इस बीमारी की पूरी डिटेल्स टेलीग्राम के द्वारा, मेल के द्वारा सबको बतानी पड़ेगी। निशा मालती, तुम दोनों न्यूज चैनल्स को कांटेक्ट करो, जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। अरविंद, मैं जाकर हॉस्पिटल के डीन से मिलकर आती हूँ, तुम जाकर चीफ डॉक्टर से मिलो। ओके, लेट्स गो। ओके। ये तुम क्या कह रही हो, सिक्स सेंचुरी की बीमारी है? हाँ डॉक्टर, सिक्स सेंचुरी में ये बीमारी चाइना में फैली थी और लाखों लोगों की मौत हो गई थी। कांचीपुरम से बोधिधर्मन ने जाकर इस बीमारी को क्योर किया था। ओ, फौरन जाने वाले पहले डॉक्टर। वही बीमारी अब इंडिया में आई है। उस बीमारी के 3 मरीज आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कौन से वार्ड में? जनरल वार्ड में, बेड नंबर 76, 77 एंड 78 डॉक्टर। ओ, उन पेशेंट्स की बात कर रही हो? यस यस। उन्हें क्या हुआ है? चिकन पॉक्स, एंटीवायरल का एक डोज देंगे, मंडे डिस्चार्ज। नहीं डॉक्टर, उन्हें तुरंत आइसोलेशन में डालना होगा। अब जनरल वार्ड में रखेंगे तो ये बीमारी दूसरों को लग जाएगी। इनफैक्ट उन्हें अटेंड करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को भी फेस मास्क दीजिए। मेरी बात सुनो, ब्लड टेस्ट, यूरिन कल्चर सब टेस्ट करना पड़ेगा। रिजल्ट आने में 5 दिन लग जाएंगे, उसके बाद ही ट्रीटमेंट होगी। तब तक ठीक नहीं होंगे तो दवाइयां बदल देंगे। डॉक्टर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर, उसके लिए टाइम नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड डॉक्टर। मेरे पास भी टाइम नहीं है, ओपीडी में पेशेंट्स भरे पड़े हैं। डॉक्टर, वो लोग यहीं पर हैं। अगर डॉक्टर से मिलना है तो पहले चाय पानी निकाल। जरूरी काम से मिलना है। हेलो। हेलो अरविंद। बोलो सुधा। अरविंद, इमीडिएटली हॉस्पिटल के पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाओ। क्यों? डोंगली हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच गया है। कहाँ है वो इस वक्त? अरविंद, जल्दबाजी मत करो, फिलहाल हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर उससे झगड़े में फंस गए तो सब बेकार हो जाएगा। अरविंद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरविंद। बताओ कहाँ हूँ मैं? हॉस्पिटल के पीछे की तरफ आ जाओ। आता हूँ। Thank you.
डोंगली बोल रहा हूँ। डोंगली कैसे हो तुम? ध्यान से सुनो, मैंने एक आदमी को वश में करना चाहा, पर पता नहीं क्यों कर नहीं पाया। मैं वजह जानना चाहता हूँ, फौरन गुरु से मेरी बात करवाओ। ये नहीं हो सकता, डोंगली सबका माइंड कंट्रोल कर सकता है, उसे इसकी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन वो इस वक्त दुनिया के कौन से कोने में है? वो इस वक्त मुंबई शहर में है, इंडिया में। वहां वो एक इंसान को अपने वश में नहीं कर पा रहा है। उसको वहां नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्यों? उससे वापस आने को कहो। पहले मुझे ये बताओ, मैं उसे वश में क्यों नहीं कर पाया? तामून, उसकी रगों में दामू का खून है। उसे तो मार दिया था ना, देखता हूं उसका खून क्या करता है। अपने दोस्तों से कहूं यहीं आ जाए। अरविंद वो यहीं पर है, वो हमें ही ढूंढ रहा है। कहाँ है? सुनो, अपना मुंह छुपा लो, वहां मत देखो। चलो चलो, आप लोग रुके रहो। सुधा, तुम
सुधा, सुधा निकलो, चलो जल्दी निकलो, निकलो, कम ऑन निकलो। छोड़, सुधा तुम जाओ, छोड़ना। सुधा ने फोन किया था, वो हॉस्पिटल में आ गया था। हाँ, सुधा ने हमें बताया और यहाँ आने को कहा। ओह माय गॉड, ये सब क्या हुआ है सुधा? हमने जितना सोचा था उससे बहुत डेंजरस है वो। हम जान बचाकर भाग कर आए, यही बहुत बड़ी बात है। अरविंद, 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 क्या हुआ अरविंद? हमारे भारत देश में अगर बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो तो छाती को चीर कर दफनाते हैं। जाते वक्त पीठ नहीं दिखानी चाहिए ऐसा मानते हैं, और आज उसे पीठ दिखाकर भाग आए हम लोग। बहादुरी का काम किया ना। हमें मलेशिया में मारा होता, श्रीलंका में मारा होता, हमारे देश में आकर हमें मार रहा है, और हम सिर्फ उससे उससे डर के भागते रहेंगे? तो तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं अरविंद? जिसने दुनिया को वीरता सिखाई ये वही भारतवर्ष है, और अब हम इसी देश में मार खा रहे हैं। पलट कर वार करना होगा, वो इस मिट्टी से जिंदा वापस नहीं जाएगा। नहीं अरविंद, ही इज टू पावरफुल, उससे लड़कर हम जीत नहीं सकेंगे। जीतेंगे भी कैसे, हमारे हथियार तो म्यूजियम में बंद है, धनुष तलवार सबको ताला मार के रख दिया है। उन्हें बाहर निकालना होगा। अरविंद, इस वक्त जो हालात है उन्हें तो समझने की कोशिश करो। वीरता वीरता बोलकर पड़ोसी देश से लड़े रहा हम, क्या जीत गए हम? हार ही मिली ना। वीरता और धोखेबाजी में फर्क समझो। अकेले भारत को 9 मुल्कों ने मिलकर मारा, वो वीरता नहीं धोखा है। मैं समझती हूँ अरविंद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे छोड़ दें, लेकिन उससे पहले हर पल फैलने वाली इस बीमारी को रोकना होगा हमें, फिर डोंगली को मिटाएंगे। फिलहाल ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हो सकते हैं। उस बीमारी का इलाज करना, उस आदमी को मिटाना सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, बोधि धर्मन। डीएनए रिसर्च को शुरू करना होगा, बोधि धर्मन की कला को वापस लाना होगा। आपने जैसा बोला वैसे ही मारेंगे उसको, ऐसा मारेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी आदमी एक भारतीय पर हाथ उठाने से डरेगा। उसके लिए ह्यूमन जेनेटिक लैब चाहिए जो बिल्कुल गुप्त होगी। 12 दिनों तक हमें सबसे छुप कर रहना होगा। मुझे पता है ऐसी लैब कहाँ है। रुको। अगर 12 दिन हमें किसी लैब में छुप कर रहना है तो तुम में से किसी को बाहर से हेल्प करनी होगी, और उससे भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम कहाँ हैं। करेक्ट मालती, यू आर द राइट पर्सन। हम सबको अपने सिम कार्ड्स डीएक्टिवेट करने होंगे। सिर्फ 2 सिम कार्ड ऑन रहेंगे, एक हमारे लिए और एक मालती के लिए। हमारी जरूरत की चीजें मालती पहुंचाएगी, और उसे भी पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं। वो कैसे मैं बताती हूँ। मालती, तुम्हारा सेलफोन और सिम कार्ड डिस्कार्ड कर दो, कल मैं तुम्हें नया सिम कार्ड भेज दूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। अब बताओ कि वो लैब कहाँ है। वो लैब गांधी पार्क में है, गांधी मंडपम और कैंसर इंस्टीट्यूट के बीच में है, IIT कैंपस। अश्विन ने इसी जगह के बारे में बताया था। IIT कैंपस के पीछे बहुत बड़ा जंगल है। कैंपस 650 एकड़ में फैला है, उसमें से 450 एकड़ सिर्फ जंगल है। ये कोई नहीं जानता कि शहर में इतना बड़ा जंगल है। ये कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी सेंटर है, ये मशीन डायनामिक सेंटर है, इससे 4 किलोमीटर दूर जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब है। हमें उसी लैब में जाना है। मगर इन 12 दिनों में वहाँ कोई आ गया तो? नहीं सर, लकीली अभी छुट्टियाँ चल रही हैं, अगले 18 दिनों तक तो कोई नहीं आएगा। अंदर सब जर्मन इक्विपमेंट्स हैं,
हमें दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और जो भी जरूरत होगी उसके लिए मालती है जो बाहर से भेज देगी। ओके। अश्विन कब आएगा? लैब की चाबी और सिम कार्ड लेके रात को 11 बजे तक आ जाएगा। सबने सिम कार्ड को रीएक्टिवेट कर दिया ना? हाँ, कर दिया। ओके, चलो चले। ओके। नमस्कार। फैलती हुई इस अनजान बीमारी से शहर में अब तक 118 लोगों की मौत हो चुकी है। अशोक नगर और मयूर विहार में किसी भी अस्पताल में दवाइयां ना होने के कारण वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है। अब ये अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। देश में अफरा तफरी का माहौल है। अब ये बीमारी शहर के दूसरे भागों में भी फैल चुकी है। सारा काम काज ठप हो गया है। The disease spreads like fire. The initial symptoms are red balls on the face. बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जहां मरीजों के लिए दवाइयां ही नहीं है। इसी वजह से मरीजों इस बीमारी की वजह से शहर में हंगामा फैला हुआ है। तेजी से फैल रही इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूरे देश में जैसे कोहराम मचा हुआ है, अनजान बीमारी पूरे देश में फैल रही है। हमारी कैमरा टीम शहर के कई अस्पतालों में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शहर के सभी अस्पतालों में मरीज किस तरह से खचाखच भरे हुए हैं। How can I help you? मैं जानना चाहता हूँ ये किसने खरीदी थी। सर ये मैं नहीं बता सकता। ये सीडी 22 फरवरी को खरीदी गई थी। पेमेंट कार्ड से हुई थी और कार्ड होल्डर का नाम है इमरान शाहिद। क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक का था। उसका नाम इमरान शाहिद है। मुझे बताओ हाल ही में उसने और क्या क्या खरीदा है। 2 दिन पहले उसने अपोलो फार्मेसी से कुछ खरीदा था। कल उसने 1,500 रुपए का पेट्रोल भरवाया था जगह भारत पेट्रोलियम शिवड़ी। TN09 AT 7419। इस कार में कल इमरान ने पेट्रोल भरवाया था। अच्छा, पर पता चला है वो कार इमरान की नहीं है। मुझे उस कार के मालिक का नाम और पता चाहिए। तुम सही थे ली, वो कुल मिलाकर 5 नहीं, वो 6 लोग हैं। एक लड़की बाहर से उनकी मदद कर रही है, उसका नाम है मालती। वो सुधा की स्कूल फ्रेंड है और सिविल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में है। ये रहा उसका ड्रेस। मालती को ढूंढ निकालो और बाकी सब तुम्हें मिल जाएंगे। एक बार उनका पता चल जाए तो मालती को मत छोड़ना, मार देना उसे। बिल्कुल यही तो मैं करने वाला हूँ। और किसी को भी मत छोड़ना वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। सबको मार देना। यस। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी।
क्योंकि मैं खुद नहीं जानती वो कहाँ है। इट्स टाइम फॉर बोधी धर्मन, उनसे तुम बच नहीं पाओगे। उन्हें मेरी ओर से गुड लक कहना। मालती, जो भी लिस्ट में लिखा था वो तुमने भेज दिया? जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब, मालती, बी विंग, ईस्ट न्यूटन सर्कल, आईआईटी कैंपस, गांधी पार्क। इमरान, मालती का फोन तेरे पास कैसे आ गया? और मालती कहाँ है? हेलो, और एड्रेस क्यों बता रहे हो अभी? इस बार तुम नहीं बचोगी। हरामजादे, अगर इंडिया से नफरत है और हिम्मत है तो इंडियन आर्मी से क्यों नहीं लड़ते? मासूम लोगों की जाने क्यों ले रहे हो बुज़दिल? अरविंद तुम्हें मार देगा। तुम बोधी धर्म से नहीं बच सकते। इमरान, इमरान, जवाब दो। इमरान, इमरान, वो यही आ रहा होगा। आज आखिरी दिन है और तू जान बचाकर भागने को बोल रही है। हाँ सुधा, फिलहाल सबसे जरूरी अरविंद की जान है, साथ ही बोधी धर्मन का डीएनए। हम नहीं बचे तब भी 50 साल बाद कोई और इस पर रिसर्च करेगा, लेकिन उसके लिए भी अरविंद चाहिए। लेकिन अरविंद को कहाँ ले जाएंगे? उसके शरीर पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। हम अपनी जान देकर भी अरविंद की जान बचाएंगे। चलो।
इसे पूरा ढक दो। ठीक है, हमें इसे बचाना है। पूरी तरह कवर करो। सुधा! हाँ? गांगली आ चुका है। Thank you.
बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या अब बहुत कम हो गई है। इसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है क्योंकि इस रहस्यमय बीमारी का इलाज बनाया है मिस्टर अरविंद ने, जो एक सर्कस में काम करते थे। आपका कहना है कि हम अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृतियों को भूल गए हैं, लेकिन आपके हिसाब से आज के जमाने में उनका क्या उपयोग है? लापता हुए बच्चों को माँ का नाम, बाप का नाम, घर कहाँ है, ये पता होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमें अपने इतिहास के बारे में जानना। इतिहास को भूलने की वजह से हम अपने इंद्रियों को भूल चुके हैं। जिन्होंने हम पर राज किया है, उन्होंने हमारी वीरता की, हमारी गौरव की गाथाओं को कहीं छिपा कर रख दिया है। मजहब बदलकर, जगह बदलकर, भाषा बदलकर हमारी असली पहचान को ही मिटा दिया है। होली के त्योहार में इतिहास के किताब के एक एक पन्ने को होलिका में जलाने पर मजबूर किया। इससे भी बदतर, भारत का इतिहास, हमारी खोज आज सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गई है या फिर किसी लाइब्रेरी में धूल खाती हुई सड़ रही है। अपने इतिहास को जानिए, जो नहीं जानते उन्हें बताइए। हल्दी को बदन पर लेपना और पानी में मिलाकर छिड़कना, इसे भगवान का नाम मत दीजिए, ये साइंस है, ऐसे समझाइए। एंटीबायोटिक है, ये बताइए। हमने ये सब नहीं बताया इसलिए जिस देश में हल्दी उगती नहीं उसने इसके महत्व को जाना और इसे पेटेंट कर लिया। घर में कीड़े मकोड़े ना आए इसलिए घर के बाहर हम गोबर से पोतकर रंगोली डालते हैं, ये समझाइए। ये नहीं समझाया इसलिए आज रंगोली का स्टिकर बनाकर टाइल्स पर चिपकाते हैं। घर के बाहर नीम का पेड़, घर के अंदर तुलसी का पेड़, ये औषधि है, ये समझाइए। हम जब आने वाले पीढ़ी को ये सब बताएंगे तब उनमें दुनिया को रास्ता दिखाने का आत्मविश्वास होगा। ये सब हमने नहीं बताया इसीलिए हम सब कुछ खो चुके हैं, और जो देश हमसे आंख नहीं मिला पाते थे वो हमसे आगे निकल चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ से एक्सपोर्ट होने वाले कपड़ों और फलों की तरह होनहार भारतीय विद्यार्थी भी विदेश भेजे जा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बोधि धर्मन नहीं, नहीं बल्कि इस पावन धरती पर महान योगियों ने भी जन्म लिया जिन्हें हम भूल गए हैं, और वो सब आज भी आपके डीएनए में जिंदा है, आपकी रग रग में जिंदा है।